मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। जब गुस्से में ना मेरी जबान से उल्टा पुल्टा बस निकल जाता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे एहसास नहीं है उसकी इस हालत का। रानी मेरी एक दफा बात सुनो, उसके बाद चाहे तो मेरी शक्ल भी ना देखना। तुम जा रहे हो या मैं शोर मचाऊं? ठीक है, अगर तुम्हारे खुशी में ही है तो यही सही। क्या हुआ बताओ तो सही, ऐसे क्यों रो रही हो? आपने देखा नहीं कल बेचारी नादिया का हाल, बहुत तकलीफ में थी। अल्लाह तौबा तौबा, बहुत तकलीफ में थी। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। ये सब क्या हुआ था, इतना लड़ाई झगड़ा किस बात पर? अबू मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। तुम्हारे ख्याल में गलती किसकी थी? गलती नादिया की तो नहीं थी, शायद अम्मी की भी नहीं थी। जानते हो कि पिछले दो दिन से यही सोच सोच कर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो या घर का कोई फर्द भी टेंशन में रहे। अबू आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा और मुझे तो लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बेटा मैं नहीं चाहता कि किसी गलत फहमी की बिना पर तुम किसी की हक तलफी करो। जी देखो बेटा, घर की कशीदी को पहली दफा ही काबू कर लेना चाहिए, वरना आगे चलकर आदमी बेबस हो जाता है। अगर ऐसी हालत में रहने दिया जाए तो इंसान कभी भी मुतमईन नहीं होगा। बहुत सोच समझकर सब्र तहम्मुल से जिंदगी की गाड़ी को आगे लेके चलना पड़ता है। अपने करीबी रिश्तेदारों को भरोसा और एतमाद देकर आगे चलोगे तो कभी परेशान नहीं होगे बेटा, याद रखना। जी कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। अगर ये बात तुम मेरे सामने बोलते ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देती मैं। रानी, ओ रानी। हाँ अम्मी। क्या हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती हूँ? चलो बाहर आओ। क्या काम है? आटा गूंधो चल के, और हाँ नादो भी आ गई है घर पे। हाँ तो पहले तुम्हें अच्छी वजह से मिला। अच्छा अच्छा जल्दी जाओ और फिर जल्दी वापस आना। अच्छा आके आटा गूंधना है, जाओ। ठीक है ना? काम चोर कर लेंगे। शबाना रहने दो, मुझे इसकी आदत नहीं है। छोड़ दो, अब बाजी जब कह रही हैं तो आप भी मजे से खिदमत करवाती रहे, न जाने उनकी नीयत और इरादे कब बदल जाए। जब आप हॉस्पिटल में थी तो बाजी बड़े साहब को बता रही थी कि आपको नफ्सियाती दौरे पड़ा करते थे। उन दोनों के आगे तो इतनी अच्छी बन रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सारा का सारा कसूर आपका ही हो। वो वाकई ऐसा कह रही थी? बाजी मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरी लगी हुई रोजी छूट जाएगी। आप अपनी अम्मी के घर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ तो बात बात पे झगड़ते हैं वो आपसे। अब देखे ना, घर में साहब हैं और उनके सामने मुझे भेज दिया कि जाकर भाभी के पांव दबाओ और फ्रेश जूस ला के देना। जाओ जाके किचन संभालो। हॉस्पिटल का बिल कितना था? मुझे नहीं पता। पर किसको पता होगा? नईम ने पे किया था, उन्हें अंदाजा होगा। एक बात कान खोल के सुन लो लड़की, तुम अपने आप को कंट्रोल कर लो। मेरे बच्चे के ऊपर खर्चे के वैसे ही बोझ बहुत बढ़ गए हैं जब से उसने शादी की है। औकात में रहो तुम अपनी। बता दो दे मैंने किया क्या है? अरे रोजाना अस्पताल में जाके पड़ जाओगी तो क्या वो अपने आप को बेच के बिल देगा, तुम्हारे खर्चे उठाएगा? पता है कितना परेशान रहा है वो? पैसे नहीं थे उसके पास, 10,000 रुपए मैंने उसे दिए तुम्हें हॉस्पिटल से घर लाने के लिए। अगर यही तौर तरीके रहे ना तुम्हारे तो एक दिन हम सब फकीर हो जाएंगे।
अपनी माँ और भाई से कहो तुम्हारे खर्चे उठाया करें। समझ में नहीं आता आखिर इसका मसला क्या है। खाओ पियो जो दिल चाहे करो, मगर हमें परेशान मत करो, टेंशन मत दो हमें। पता नहीं कहां मर गई। अरे मैंने कब से कहा हुआ है कि नादिया के लिए जूस ले आओ, कोई सुनता क्यों नहीं है। मैंने कहा भी है बच्ची जूस पिए और सो जाए, उसकी तबीयत खराब है, शुक्र करा है कि थोड़ी सी सही हुई है। आपके लिए खाना लगवाऊं? हाँ लगा दो, दोपहर को परेशानी की वजह से भूख नहीं लगी थी, अब भूख लग गई है। अच्छा आप चले मैं लगवाती हूँ। ओके। क्या हुआ तुम्हें? इस घर में जो ना हो ना वो कम है। अरे कि इन्हीं बातों और इन्हीं झगड़ों की वजह से मैं अस्पताल जा पड़ी, अभी वापस आई हूँ और आते ही वही बातें वही ताने कसने शुरू कर दिए मुझे। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाना तो रिलैक्स। नहीं सचमुच में बहुत दम घुट रहा है अब इस घर, सबके ऊपर मैं बोझ बन चुकी हूँ। किसने कहा तुमसे ऐसा? आपकी अम्मी ने, और कौन कहेगा। देखो तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। अब आप भी यही कहेंगे? नादिया प्लीज प्लीज, देखो तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हारी तबीयत अभी संभली, हाइपर मत हो तबीयत खराब हो जाएगी। ना आई होती ना वही हॉस्पिटल में ही मर जाती तो अच्छा था, आप तो कभी समझेंगे ही नहीं। मैं मर भी गई ना तो भी आपको कोई एहसास नहीं होगा, मैं बस इस घर में ना एक कोने में पड़ी हुई चीज हूँ, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हूँ मैं। नहीं नादू चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मत कराए ना मुझे, चुप बोल लेने दे, चीखने दे। गुड मॉर्निंग अबू। हाँ नहीं बेटा आओ बैठो। बेटा वो नादिया रात को ठीक सोई थी? जी नींद की गोली देनी पड़ी थी। क्या हुआ अबू? मुझे खुद नहीं पता। बेटा मैं जो हालात देख रहा हूँ और नादिया की कंडीशन महसूस कर रहा हूँ उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या है मैं नहीं समझ पा रहा। हो सकता है कि उसकी कंडीशन की वजह से वो हाइपर हो रही है। मेरे ख्याल में तुम्हें उसे किसी साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। हाँ ये कोई बुरी बात नहीं है, खुदाना खास तो पागल नहीं है, लेकिन बात में बात बेवजह उसका ये रवैया बहुत परेशान कुन है और आगे चलकर मसाइल पैदा कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? कहाँ तैयारी है सुबह सुबह इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? आपकी नसीहत पे अमल कर लिया मैंने। कौन सी नसीहत? नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आज से नए क्लासेस शुरू। अब नाश्ता तो करते जाओ, मैं बना दूँ कुछ जल्दी से। नहीं नहीं यूनि से देर हो जाएगी, यूनि में कुछ खा लूंगा, अम्मी को बता दीजिएगा। हाँ बता दूंगा। ओके वाफ़ वाफ़।
नादो नादो उठ जाओ, काफी देर से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूं। पूरी रात बेखबर होके सो गए थे। आपने रात को नींद की गोली दी थी ना, इसीलिए तो आज तुम्हारी नींद पूरी हो गई है। आज बहुत देर से बात नहीं थी, सुबह सुबह भूख भी लग रही है। अच्छा चलो पहले जूस पी लो, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। आपने बनाया? ऐसे क्या देख रहे? मैं देख रहा हूँ कि आज तुम बहुत खुशगवार मूड में हो और बहुत ही फ्रेश लग रही हो। कहीं बाहर चले? आज आप आपने ऑफिस नहीं जाना? छोड़ो ना ऑफिस। कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। आपने कुछ पिया है सुबह से उठ के? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम उठोगी तो साथ ब्रेकफास्ट करूँगी। चले साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा पी लेकर। बहुत मजे का बना है। जो आप कहोगे। रात को सीमा का फोन आया था, बहुत उदास हो गई, बेचारी रो रही थी। सलीम कह रहा था कि हम दोनों का आने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, कुछ अरसे के लिए हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन अब्बू अभी आप लोग कैसे जा सकते हैं? ना हम सोच रहे हैं कि अभी होकर आ जाएं, बाद में तो हमारा दिल पोथा ये पोती में लगा रहेगा ना। वो तो ठीक है अब्बू, लेकिन आप लोग अगर जाएंगे और वापस आने में टाइम लग गया तो मैं तो यहाँ पर परेशान हो जाऊँगा। आप तो जानते हैं ना कि नादिया की तबीयत। देखिए हो सके तो अपना प्लान प्लीज थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। हाँ ये भी तुम ठीक कह रहे हो। आप लोगों को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंकल आप एक काम करें, आज फैक्ट्री ना ही जाएं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कुछ दिन की छुट्टियां ले। आप तो नादिया भाभी की सिचुएशन देख ही चुके हैं, नईम भाई के ऑफिस जाने के बाद कोई हंगामा ना हो जाए यहाँ पे, मुझे तो इसी बात का डर लग रहा है। नहीं तुम जाओ नादिया को देखो, नाश्ता भी छोड़ के चली गई है। जी ठीक मसला है। क्या हुआ, ऐसे क्यों चली आई? कुछ नहीं बस दिमाग खराब हो गया मेरा। दिमाग खराब हो गया? अच्छा चलो आओ यहाँ बैठो। आओ तो दिमाग खराब हो गया है आपका? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो बहुत भूख लग रही थी और तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाता हूं।
बड़ी बाजी ने कहा कि आपको नाश्ता नहीं दे। शुक्रिया। हाय, काश ऊपर वाले से कुछ और मांग लेता। चलो अब ये आपका ब्रेकफास्ट आ गया है, से कीजिए। अभी मुझे नहीं खाया जाएगा। कर लो, उसके बाद हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, उसी फार्म हाउस जहां हमने पहले प्लान किया था, पर अम्मी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाते। हनीमून के लिए? यही समझ लो। नहीं, अगर हम जा ही रहे हैं तो वहां 2-3 दिन और नहीं रह सकते? रह तो सकते हैं, लेकिन आज नहीं। देखो, शहर से इतना दूर जाएंगे और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो हम वहां क्या करेंगे? तो इसलिए अभी हम जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे, फिर जब तबीयत तुम्हारी ठीक हो जाएगी तो फिर चले जाएंगे। ये स्माइल तुम्हारी मुझे मार डाले। चलो दरवाजा बंद। अच्छा, तो अब तुम्हारे हुक्म पर चलूंगी मैं? हुक्म नहीं, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी एक दफा बात सुन लो। रानी, मैं सऊदी जा रहा हूँ। अच्छा, तो जाओ, मेरी भला से तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी है। तुमने रोका है मुझे, तुम्हारी जिद ने रोका है मुझे, तुम्हारी फैमिली ने रोका है मुझे। अगर तुम समझते हो कि मैं जिद छोड़ दूंगी तो नहीं छोड़ूंगी। तुम अगर सोने की भी बन के आ जाओगे मेरे सामने तो मैं खाक का बना हुआ इंसान हूँ, खाक हो जाऊंगा। मेरी हरकतें, मेरी बातें अच्छी थी या बुरी, मैंने सिर्फ तुम्हें पा लेने के घर से की थी। पर एक बात याद रखना, मेरे अल्फाज सारी जिंदगी तुम्हारे कान में गूंजते रहेंगे कि तुमने उस इंसान को धुतकारा है जिसने तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी। और मेरी जिंदगी जब तक है, मेरी एक एक सांस तुम्हारी मान। बस तुम्हारे ये डायलॉग्स। जिंदगी एक सच्चा इंसान को डायलॉग ही लगती है, और एतबार जब आता है जब वक्त गुजर जाता है, और जब वक्त गुजर जाता है तो पिछतावे का कुछ नहीं रहता। और एक बात और रानी, तुम्हें ना पाकर भी मुझे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, मैंने तुमसे इश्क किया। और इश्क पा लेने का नाम नहीं होता। मैंने खुदा से दुआ की है कि तुम मेरा हाथ थाम कर चलो, और अगर तुम्हारे दिल में जरा भी मैल है मेरे लिए तो दुआ करना कि मेरी ये दुआ कभी भी कबूल ना हो। सुनो, अच्छा तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू। पता नहीं क्या कह गया। मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा।